Hello friends, so welcome to MCX Crude Oil and MCX Natural Gas Analysis. दोस्तों पहले हम लोग MCX Crude Oil के एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद MCX Natural Gas के एनालिसिस करते हैं. दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे WhatsApp चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके WhatsApp ज्वाइन कीजिएगा. मार्केट आर्स पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा. दोस्तों एमसीएक्स क्रूड ऑयल के वनर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो क्रूड ऑयल 6572 के पास ट्रेड कर रहा है. और उसी हिसाब से दोस्तों हम लोग वनर के चार्ट पे देख सकते हैं 6580 से 6600 का जो रेंज है ये क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है. दोस्तों क्रूड ऑयल के वनर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 6540 क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है. और उसी हिसाब से दोस्तों जब तक प्राइस 6540 और 6580 के रेंज के अंदर है तब तक जो है क्रूड ऑयल में साइडवेज मूवमेंट दिखने वाला है. तो आने वाले समय में अगर क्रूड ऑयल 6580 से 6600 के रेंज के अंदर आता है तब जो है क्रूड ऑयल में फिर से शार्प सेलिंग दिख सकता है. और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 6580 से 6600 के रेंज के पास आता है और रिट्रेस करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए ट्रेल कर सकते हैं. और उसी हिसाब से दोस्तों 6580 के नीचे 6540 बनने वाला है क्रूड ऑयल के लिए फर्स्ट टारगेट. और अगर आने वाले समय में प्राइस 6540 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 15 मिनट्स का या 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं. और उसी हिसाब से दोस्तों 6540 के नीचे 6500 बनने वाला है क्रूड ऑयल के लिए फर्स्ट टारगेट. और अगर आने वाले समय में प्राइस 6500 का सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 6450 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं. और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 6540 के पास जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं. और उसी हिसाब से दोस्तों 6540 के ऊपर 6580 से 6600 का जो रेंज है ये बनने वाला है क्रूड ऑयल के लिए फर्स्ट टारगेट. और अगर आने वाले समय में प्राइस 6600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 15 मिनट्स का या 1 आवर का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 6620 के ऊपर 6640 और अगर प्राइस 6640 के भी ऊपर सस्टेन करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 6670 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं. तो ये रहा दोस्तों MCX क्रूड ऑयल का कंप्लीट एनालिसिस. दोस्तों आप लोग MCX क्रूड ऑयल के एनालिसिस से क्रूड ऑयल मिनी में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अभी हम लोग MCX नेचुरल गैस के एनालिसिस कर लेते हैं. दोस्तों NG के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो NG 179.90 के पास ट्रेड कर रहा है. और दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था 180 एनजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है. और उसी हिसाब से दोस्तों 180 का लेवल एनजी के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है. दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 180 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 1 आवर का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 190 से 200 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं. और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 180 के नीचे कंसोलिडेट करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे
170 से 160 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों एनजी के वन आर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 177.50 एनजी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो 180 का लेवल एनजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 180 के नीचे वन आर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 177.50 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 177.50 का सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 15 मिनट्स का या वन आर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 175 के नीचे 170 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX नेचुरल गैस का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आप लोग MCX नेचुरल गैस के एनालिसिस से नेचुरल गैस मिनी में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।